और तिहाड़ जेल में 26 जनवरी हुई हिंसा मामले गिरफ्तार किए गए किसाना चो 12 होर किसाना दी रिहाई जड़ी है वो संभव हो पाई है। सो दस दे के तिहाड़ जेल तो 12 होर किसान जड़े ने वो रिहा हुए ने। DSGMC की लीगल टीम नू इस दे विच कामयाबी मिली है। लगातार DSGMC की लीगल टीम इन्हों किसानों की रिहाई दे विच यतनशील है ते 12 होर किसानों की रिहाई भी कितनी संभव हुई है। रिहा हुए किसानों का स्वागत भी जड़ा है वो इस मौके पर किया गया। किसानों ने खास तौर पर दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का इस मौके पर धन्यवाद किया। किसानों को कानूनी मदद मुहैया करवाते रहने की गल मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस एक बार फिर तो इस मौके पर दोहराई। तो दस दिए कि 26 जनवरी जो लाल किले से हिंसा हुई उस मामले में लगातार जिन्हों किसानों गिरफ्तार किया गया से उन्हों की रिहाई लिए DSGMC लगातार यतनशील है तो 12 होर किसानों की बीते दिन रिहाई संभव हुई और इस मौके पर इन्होंने किसानों का जिथे स्वागत किया गया उतें किसानों ने दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का खास तौर पर धन्यवाद भी किया। मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक बार फिर कहा कि वह किसानों को कानूनी मदद मुहैया करवाते रहेंगे। सानू मंगोलपुरी लेके गए उत्थे कहिंदे वेरीफिकेशन हुंदी है पहिलां कहिंदे साडे साहब नहीं आए फिर सानू उत्थे रखिया सानू 10-11 बजे तक उत्थे बिठाई रखिया। पहिलां सानू आई कह के लैके गए सानू आज रास्ता विखाउंदे आ जदों अई थाने कोल लैके गए सानू कहिंदे थाने वाले ट्रैक्टर मोड़ लो उत्थे सानू पता ही नहीं लग्गा समझ लो जी नाले ही सारा पूरा पंजाब नाले पूरा देश नाल। क्या बात है पूरा देश नाल है जी तुसीं इह की पुछना पूरा देश नाल है पूरा पंजाब नाल असीं भी नाल हाँ सारे एक पासे हाँ और सरकार दूजे पासे आ ते सरकार दे चमचे उहनां दे नाल आ जिहड़े समझदार दी चमचागिरी करदे उह वी उहनां दे नाल आ ते जिहड़े किसानां दे नाल डट के खड़े अपने भरावां नाल इस पासे खड़े आ।